हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल सहज शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस में। और ऑल टाइम बेस्ट वीडियो होने वाली है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप बेस्ट 10 कॉलेजेस, ये इससे अब भी हो सकते हैं मैसेज, जैसे 15 के कॉलेज मैं ले लिए हैं, 15 कॉलेज फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, सेरिकल्चर और एट्सेट्रा, ठीक है, जो भी आपके कोर्सेज हैं। इस हिसाब से आपके कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बन रही है, आपके कितने परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितनी कट ऑफ आपका कौन सा यूनिवर्सिटी मिलेगी, ठीक है, तो और कितनी सीटें हैं, इसमें फुल डिटेल में बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ना सब्सक्राइब करना, चैनल के साथ बने रहना फॉर द फर्दर अपडेट के लिए। और आपको वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि स्किप कर दिए तो आपका जो पॉइंट थे वो छूट गया, आपका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो लंबी बनने के कारण मैं आपको वीडियो को शुरू करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टोटल सीट्स फॉर बीएससी एग्रीकल्चर की बात करते हैं। स्टार्टिंग से एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर सबसे टॉप वन पर यूनिवर्सिटी आ रही है, वो है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात, ठीक है। टोटल सीटें हैं 20, तो आप सोच सकते हो यदि टोटल सीटें 20 हैं तो आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें जिनकी बच्चों की कैटेगरी बाई जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड 98 से 99 कट ऑफ जा रही है आपकी परसेंटाइल बेस पर, तो आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात। यदि आपके लिए इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो अप्लाई कर देना, 20 सीटें हैं, ठीक है, बीएससी ऑनर्स की। और एनुअल फीस देखें तो एनुअल फीस विदाउट फूड चार्ज, फूड चार्ज को बाद में मिलाना, विदाउट फूड चार्ज आपकी फीस है 23,000 रुपये, ठीक है, साल की। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, 135 सीटें हैं, बहुत अच्छा, इसमें सीटें थोड़ी हाई है, जिसमें सीटें बहुत ज़्यादा होगी उसमें परसेंटाइल लो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जनरल कास्ट के लिए, बाकी कास्ट आप खुद मैच करें, यदि जनरल की 95-90 जा रही है तो आपकी जाएगी 90 या फिर 88, ठीक है, बाकी एक्सपेक्ट कर लेना। जनरल कास्ट के लिए असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 94 से 95 तक आपके कट ऑफ बन रही है, तो आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 135 सीटें हैं और 41,000 रुपये हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, ओनली 12 सीटें हैं, 12 ही सीटें हैं इसमें, ठीक है, 12 सीटें हैं और रुपए लगते हैं 14,000 रुपये, ठीक है। और इसमें स्कोर भी वही है 96-97, यदि आपके जो भी नज़दीक है उसके लिए आपको अप्लाई करना है। आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी बोलता हूँ मैं इसको, ठीक है, जो जो मैं सबसे बेस्ट बोलूँगा उसमें आपको चांसेस है, और यदि आपके अच्छे मार्क्स आए तो उसमें आपको अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि फीस चाहे भले ही ज़्यादा हो परंतु तो आपके लिए बेस्ट सुविधा और बेस्ट एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। आचार्य एन जी रंगा यूनिवर्सिटी हैदराबाद अप्लाई कर देना, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ मैं। 74 सीटें हैं और 42,000 इसके लिए पे स्केल है, मतलब आपको पे स्केल क्या बोल सकता हूँ, इसकी आपको फीस देनी होगी, ठीक है। और स्कोर वही 95 से 100 के बीच में जिसका स्कोर आ रहा है परसेंटाइल बेस पर। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी VAU झारखंड में है, 12 सीटें हैं, तो ये जो होता है ना इसमें यूनिवर्सिटी में कम लोग अप्लाई करते हैं, जिससे जिनका स्कोर अच्छा होता है, जैसे मैं बोलता हूँ 99, 98, 97% आया है, तो वो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई नहीं करते हैं। तो जो बाकी कैंडिडेट बचे हैं जिनके कट ऑफ स्कोर है 90, 92, 93, 94, वो इसके लिए अप्लाई करेंगे। जनरल कास्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी OBC का आप खुद मैच कर लेना, OBC की इससे कम ही जाती है SC ST की, ठीक है। तो जिसके स्कोर 88 से 92 तक जा रहा है वो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BAU के लिए अप्लाई करना, और 10,000 आपकी लगेगी फीस। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें 36 सीटें हैं, ठीक है, और 13,000 पे करना होगा, और इसके लिए आपका स्कोर मैक्सिमम 88 से अबव होना चाहिए जनरल कास्ट के लिए। विधान चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल की बात करें तो 18 सीटें हैं, ठीक है, और 16,000 पे करना होगा, और ये भी ठीक यूनिवर्सिटी है, ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम के लेना, पर तो ठीक है, ठीक यूनिवर्सिटी है, तो इसमें आपका स्कोर मैक्सिमम होना चाहिए 92 से 95% अभी मार्क्स नहीं आए तो आप मार्क्स पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सही जानकारी आपको मार्क्स पर ही पता लगता है, ऐसे पता नहीं लगता है, फिर भी मैं एक्सपेक्टेड कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज वेंद्रास हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी UP, सबसे टॉप
रैंक पर ये यूनिवर्सिटी आती है VHU। VHU के लिए जिसका भी स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, जैसे मैक्सिमम बोलूँ स्कोर आपका 97, 98, 99% आ रहा है, तो 22 सीटों के लिए ओनली आपको पे करना होगा 7,000 रुपये, ओनली 7,000 रुपये लगेंगे आपके। और सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है BHU। यदि जिसका पे स्केल अच्छा नहीं है, मतलब जिसकी इनकम कम है, मतलब थोड़ा लो कास्ट बिलोंग करता है, कास्ट तो कोई भी होगी, परंतु जिसकी जो इनकम कम है, फादर की मदर की घर के इकोनॉमी बैकग्राउंड वीक है, तो वो BHU के लिए अप्लाई करें, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। आप टॉप 10 लिस्ट में देख सकते हो। दूसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर के लिए, और ओनली आपकी जो फीस लगेगी वो 7,000 रुपये लगेगी। तो मैं सबसे बेस्ट आपको बताऊँ, यदि बैकग्राउंड में से आ रहे हो आप, 22 सीटें हैं, बहुत अच्छी सीटें हैं और आपने स्कोर अच्छा किया है, तो BHU। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और डाउनट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां आपको इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। क्या आप इंग्लिश बोलने से में हिचक जाते हैं, या इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है, या आपको इंग्लिश में हीरो बनना चाहते हो, तो आज तो ये कोर्स आपके लिए है। और आज ही आइए और डाउनट पर ये कोर्स खरीदिए, इंग्लिश बोलने के अपने सपने को पूरा कीजिए के लिए अप्लाई करना, ठीक है। आगे बात करते हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CAU इम्फाल मणिपुर के लिए, तो 19 सीटें हैं और 11,000 आपके लिए पे करना होगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CCSAHAU, यह भी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, 23 सीटें हैं, 20,000 पे करना होगा, और जिसका स्कोर अच्छा रहा उसके लिए अप्लाई करना। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर की बात करें, तो इसके लिए पे स्केल सबसे हाईएस्ट पे स्केल है 57,000 रुपये हैं और ओनली 18 सीटें हैं। यदि आपका स्केल बहुत अच्छा है तभी अप्लाई करना, क्योंकि इसमें देख लो 7,000 में आपकी एग्रीकल्चर हो रही है, यहाँ पर आपको 57,000 पे करना हो, उसके बाद आपके एग्रीकल्चर होगी, वो भी एनुअल, ठीक है। चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, ये तो हिमाचल से, मैं भी HP से ही हूँ, तो ये भी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है मेरे ख्याल से, ठीक है। हिमाचल की यूनिवर्सिटी है, हिमाचल में एक ही यूनिवर्सिटी है, दूसरी सोलन में है। सोलन एग्रीकल्चर नहीं देता, वो फूड टेक्नोलॉजी और आपकी सेरिकल्चर हॉर्टिकल्चर देता है, ठीक है। तो ये है चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, अच्छी है, परंतु पे स्केल इसका भी मतलब आई है, 53,000 रुपये आपको देने होंगे पर एनुअल, 18 सीटें हैं। डॉक्टर बल्लभ से संबंध कौन सा विश्वविद्यालय डपोली MSM, देख लीजिए इसको, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी आपके एग्रीकल्चर के बारे में, अब मैं वीडियो को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आपको अप्लाई कर लेना है। और ये देखो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर MP, तो कोई मध्य प्रदेश से, तो इसके लिए अप्लाई करना, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है आपके मध्य प्रदेश में, 45 सीटें हाइस्ट सीटें हैं, 45 सीटें। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो 54 सीटें हैं, और जिसका भी स्कोर आपका 85 तक आ रहा है जनरल कास्ट का, 85, 88, 89 और 90 तक आ रहा है, तो आपको केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना, क्योंकि इसमें पेश कर तो ले लेते हैं, परंतु आपका सिलेक्शन हो जाता है कम स्कोर पर भी, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हो आप, तो ये देखो जो जो आपने अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, पूरी लिस्ट इसमें है, ठीक है। ये देखो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको यहाँ से चेक कर लेना है। ये बात थी एग्रीकल्चर की। नेक्स्ट बात आपकी टोटल सिर्फ फॉर BSc हॉर्टिकल्चर एडमिशन थ्रू ICAR LR 2021। अब करते हैं बात हम हॉर्टिकल्चर की, कट ऑफ स्कोर बहुत कम जाता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, तो पहली यूनिवर्सिटी कोटा है, मैं सबसे पहले आपको बताया था कोटा एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है, यदि आपने हॉर्टिकल्चर करनी है तो, ठीक है। तो कोटा में मेरे ख्याल से राजस्थान में है कोटा, तो आपके जो सीटें होनी चाहिए वो है पाँच सीटें, इसमें फोर चार्ज लगेगा आपका 37,000 रुपये। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BAU, चार सीटें हैं, 13,000 रुपये लगेगा। विधान चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल, पाँच सीटें हैं, 14,000 रुपये लगेगा, ठीक है। ये देखो जिसमें सबसे अच्छी सीटें हैं वो ये देखो, ये सबसे अच्छी सीटें हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूषा बिहार, 33 सीटें हैं, ठीक है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो बिहार में, और दूसरी आपकी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। और ये देखो लास्ट 72 वैकेंसी, इसमें देखो यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज कर्नाटका, तो यदि आपका स्कोर कम बन रहा है, जैसे मैं बोलूँ आपका हॉर्टिकल्चर में जिसका भी स्कोर
75 से अब आ रहा है जनरल कास्ट के लिए, 75 80 तक आ रहा है, तो उसको इसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज बगलकोट कर्नाटका, 72 वैकेंसी है, सीटें बोल सकते हैं। टोटल सीट्स पर बेसिक फॉरेस्ट्री की बात करें तो ये देखो, कोटा 7, बिरसा एग्रीकल्चर 8, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल 4। ठीक है, इस हिसाब से आप अपना मैच कर सकते हो। ये देखो, मैंने ऊपर कहा था आपको हॉर्टिकल्चर के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर हिमाचल प्रदेश, 16 8 सीटें हैं, 67,000 का रुपये लगेगा, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है ये मान सकते हैं हम। ठीक है, तो बाकी इन्होंने कुछ खास नहीं बोला, बस इतना ही आपके लिए कैपेबल है। ठीक है, हाइटों के बारे में कहा है थोड़ा इन्होंने। हाँ, कैंडिडेट एडमिटेड द प्रोविजन टू द फॉरेस्ट्री कोर्स, यदि किसी ने फॉरेस्ट्री कोर्स करना है तो उनके लिए जो फिजिकल मेजरमेंट रखा है वो जिन्होंने करना है वो वेट करो या वीडियो वॉच करो, बाकी लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हाइट देखो, आपकी हाइट होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट एससी ओबीसी और एसटी की बात करें तो 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, जनरल ओबीसी एससी 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, लगभग 5 फुट 2 इंच आपकी हाइट होना चाहिए। एसटी की 152 सेंटीमीटर, फीमेल की बात करें तो जनरल ओबीसी एससी के लिए 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और एसटी के लिए 145 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी ही चाहिए। चेस्ट ग्रिथ की बात करें तो मेल के लिए 79 सेंटीमीटर आपकी हाइट चेस्ट होनी चाहिए और 284 ऐसा होता है आपका फ्लाकर, जैसे आपका फिजिकल मेजरमेंट एज ए आर्मी वैसे आपके 79 चेस्ट होनी चाहिए और फ्लाकर 84। मिनिमम एक्सपेंशन, ये देखो, मिनिमम एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए 74 आपके हाई चेस्ट होनी चाहिए और 79 एक्सपेंशन होना चाहिए, चेस्ट गर्थ है ये। ठीक है, फिजिकल कैपेसिटी फॉर बास्टिंग द वॉकिंग फॉर योर आर्स, मेल्स के लिए 25 किलोमीटर और फीमेल के लिए 14 किलोमीटर आपके लिए फिजिकल कैपेसिटी होनी चाहिए वॉक करने की, चलने की। ठीक है, तो ये फिजिकल मेजरमेंट था फॉर फॉरेस्ट्री, जो फॉरेस्ट्री कोर्स करना चाहता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, चैनल के साथ बने रहना फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। जब भी आपका रिजल्ट आएगा मैक्स, मैंने पहले आपको आपके रैंक लिस्ट वो 10 तारीख तक रिलीज कर दी जाएगी, तो आपको चैनल के साथ बने रहना है फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।